हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसू किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज चाउमीन की रेसिपी। वैसे तो यह एक चाइनीज डिश है, लेकिन मैंने इसे देसी स्टाइल में बनाया है और सच मानिए बहुत ही टेस्टी बना है। और हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो हम सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाउमीन बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, कैरेट, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कैप्सिकम, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, जिंजर एंड 2 से 3 कटी हुई ग्रीन चिल्ली। यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम का वेज चाउमीन। चाउमीन आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में रखा हुआ है पानी बॉईल होने के लिए। साथ ही हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल एंड 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। नूडल्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। हमें इसे 80% ही कुक करना है। नूडल्स जो है बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं हमने इसे 80% ही कुक किया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ड्रेन कर लेंगे। नूडल्स को हमने ड्रेन कर लिया है। अब हम एक बड़ा सा प्लेट लेंगे और इसमें नूडल्स को स्प्रेड कर देंगे ताकि नूडल्स जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो नूडल्स को फैन के नीचे भी रख सकते हैं या फिर चाहें तो फ्रिज में 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। इससे क्या होता है कि जब आप नूडल्स को बनाएंगे तो यह आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, ऑनियन और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ऑनियन को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज और इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब में नमक। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, क्योंकि चाउमीन में जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हाफ कुक होते हैं और उसका जो टेस्ट होता है वो क्रंची होता है, इसलिए हमें भी इसे क्रंची बनाना है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। वेजिटेबल्स जो है हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून करीब में टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस हो तो आप उसे ऐड करें, थोड़ा सा गरम मसाला या ऑप्शनल है आप चाहें तो स्किप कर दें, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे। दो से तीन मिनट तक वेजिटेबल्स को मसालों के साथ पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ नूडल्स। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस, अगर आपके पास विनेगर हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे और बिना कवर किए कुक करेंगे। तो घर
का बना फ्रेश वेज चाउमीन हमारा बनकर रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। हमने इसे यहाँ सर्व किया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और फाइनली चाउमीन जो है वो खाने के लिए रेडी है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। ओके बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।